है, मैं हूं नीलम शर्मा। एक घंटे कार्यक्रम में हम आपको सुनिए, हम आपसे खास बात करेंगे और चर्चा भी अपने प्रश्नों से, लेकिन पहले शुरू करें आपके सुर से। नदी में कल एक नाव पलट गई जिसमें बच्चों और महिलाओं समेत 103 लोगों की मौत हो गई। हाल में 100 से ज्यादा लोग पता है तूफान में घिरकर हर किश इस नाव में 3,000 लोग थे। राष्ट्रीय राहत दल एनडीआरएफ के प्रमुख आलोक ने बताया सीमा सुरक्षा बल और एनडीएफ ने बच्चों समेत 103 लोगों के शव बरामद कर लिए हैं। माना जा रहा है कि दुर्घटना खराब मौसम की वजह से हुई। खोजबीन अभियान अभी जारी है। हादसे में डूबने वाले लोग एक स्थानीय ईद पर। रिपोर्ट डीडी न्यूज। और आप अंदर भी आज करेंगे मौजूद प्रोफेसर संतोष कुमार, बहुत बहुत स्वागत है संतोष जी। तो जहां कहीं दुर्घटना घट है में एक नौका में सारे लोग सवार थे और वो तूफान की चपेट आ गई, एक सुत आ गया, शव बरामद है, क्या पता है कि आप उनके सजी में कर रहे हो, क्या चीजें की महत्वपूर्ण ही हो रही है दबन की दृष्टि से? पहले मैं अपनी संवेदना और प्रकटना चाहूंगा इतना कि ये इसका आंकलन होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है इसके प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन के। अगर हम 300 यात्रियों को ले जा रहे हैं तो हमारे पास क्या सुरक्षा के पूरे संसाधन उस बोट में या उस फेरी में है अथवा नहीं है, जैसे चाहे लाइफ जैकेट की एक छोटी सी बात करें, लाइफ जैकेट ला उसके लिए या जो प्लेन है उसके लिए, और हम बाकी लोग यात्रा कर रहे हैं उसके प्रश्न की बात पे, इसलिए हमने कही हम सोचते हैं जरूरत है गाड़ी रुका कि ज्यादा दुर्घटना में छोटा शो था, उसमें ये बात सामने आई थी कि हवाई जहाज लोग चढ़ने से ज्यादा डरते हैं, लेकिन सबसे सुरक्षित मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वही है। अगर बनते अगर काम में आप सोचते हैं कि लाख हमारे प्रति तो एक सुरक्षा और तो कैसे अगर जो भी इनकी इसकी दृष्टि से काफ ज्यादा है इसमें सबसे बात जो नौका लेकर आया है उसकी दूसरी जनरेशन की इसी वॉर और एयर की बात करते हैं। एयर किसी भी हमारे पास ऐसी जो कोई किस तरह हमें मेन स्टेम और जिस तरह से आप लोग अपडेट करते हैं बुक आ जाए उससे पहले लोगों को बताते, देखा पिछले बहुत सारे ड्रिल हुई थक जाए तो जो लोग कम रखते हैं इस तरह के फेज में बैठते हैं उनके कोई ड्रिल लाते हैं कि ऐसी स्थितियों में बचा करना है क्या करना है। सबसे लेट डाउन प्रिंसिपल्स है, अगर आप देखें कि जब से हमारे बहुत लंबी बात होगी 1905 या 1912 में टाइटैनिक की बात हुई थी जो सबसे बड़ी नौका की बात करते हैं, उसके बाद बहुत सारे नेशनल स्टैंडर्ड उस नेशनल स्टैंडर्ड फर्जी मुठभेड़ के आरोपी सैन्य अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई करेगी या फिर मामले की सुनवाई नियमित आपराधिक अदालतों में की जाए। अदालत ने इस जमानत याचिका पर गाजियाबाद सत्र न्यायालय ने अपना फैसला कल तक के लिए सुरक्षित रखा है। अदालत छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से अपहृत कलेक्टर मामले में अब सकारात्मक संकेत देखने को मिल रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि अपहृत कलेक्टर एलेक्स पॉल मेनन 3 मई को क्यों रिहाई उनकी हो सकती है, और इस बारे में जानकारी के लिए बात करते हैं। रायपुर में मौजूद है हमारे संवाददाता विकल्प शुक्ल। तो विकल्प, क्या पूरी उम्मीद अब बंद गई है? 2 मई को कहा जा रहा था पर 48 घंटे थे और ये कहा जा रहा था कि उससे पहले या उसके बाद तुरंत हो जाएगी। क्या माओवादियों की तरफ से तो कोई और संदेश नहीं आया है, क्या लेटेस्ट आपके पास में है? नीलम, अब से कुछ मिनट पहले ही माओवादियों की ओर से कुछ मीडिया जो कर्मी हैं, मीडिया के जो कुछ लोग हैं, उनको एक एसएमएस भेजा गया है। ये एसएमएस जो है वो सीपीआई माओवादी की साउथ बस्तर डिवीजन कमेटी के सचिव विजय की ओर से आया है, और इस एसएमएस में कहा गया है कि जो माओवादी हैं वो सुकमा कलेक्टर को 3 मई को रिहा कर देंगे। इस एसएमएस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि माओवादी सुकमा कलेक्टर एलेक्स पॉल मेनन को 3 मई को रिहा कर देंगे। उनकी रिहाई जो है वो ताड़मेटला इलाके में की जाएगी। इस एसएमएस के अनुसार माओवादी सुकमा कलेक्टर को 3 मई को ताड़मेटला की जनता के सामने जो उनके मध्यस्थ हैं बीडी शर्मा और प्रोफेसर हरगोपाल, उन्हें सौंपेंगे। इस एसएमएस में माओवादियों ने अपने दोनों मध्यस्थों का आभार भी माना है कि वे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के साथ में एक एग्रीमेंट पे पहुंचे हैं, एक समझौता किया है, और इस तरह से ये स्पष्ट लिखा गया है कि 3 मई को एलेक्स पॉल मेनन को बचने और संगठन को मजबूत करना चाहिए। कांग्रेस महासचिव ने मुंशीगंज अतिथि गृह में क्षेत्र की समस्याओं को लेकर उनसे मिलने आए लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं के समाधान में हर संभव सहायता का भी आश्वासन दिया। राहुल गांधी ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं और भेदभाव और गांवों में हैंडपंपों की कमी दूर करवाने के लिए यथोचित कदम उठाए जाने का भी भरोसा दिलाया।
कांग्रेस ने आज ये स्पष्ट किया कि मीडिया के नियमन के संबंध में पार्टी की लोकसभा सदस्य मीनाक्षी नटराजन के निजी विधेयक से पार्टी महासचिव राहुल गांधी का कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस महासचिव और मीडिया विभाग के प्रमुख जनार्दन द्विवेदी ने आज कहा कि मीडिया के नियमन के बारे में नटराजन के विधेयक की जो बातें सामने आ रही हैं वो उनके निजी विचार हैं, ये न तो राहुल गांधी के विचार हैं। और हमला हो, ऐसा घटना घटी तो कुछ एक्शन सेंटर को भी लेने का कुछ ताकत तो जरूरी है, तो वो सब मद्देनजर रखते हुए ये लोग अभी इस मौके में ये लोग सामने आके एनसीटीसी को सपोर्ट करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार से काले धन के बारे में उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी मांगी है। पार्टी प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि यूपीए सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में काले धन की वापसी कही थी लेकिन इस दिशा में कोई गंभीर प्रयास नहीं किए गए। ये जो संधि है ये 2010 से लागू है। भारतीय जनता पार्टी यह जानना चाहेगी कि जो पैसा स्विस खाते में जमा है ये पिछले 50 वर्षों का है, तो आखिर उस अवधि के कार्यकाल का क्या होगा जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी ने भी विषय उठाया था। और आगे बढ़ने से पहले हम एक ब्रेक लेंगे, आप देखते रहिए समाचार प्लस। खिलाड़ी राष्ट्रपति प्रतिभा देवी मजदूर दिवस है, मेहनतकश मजदूरों को उचित पारिश्रमिक और उनके आर्थिक सामाजिक अधिकारों और कल्याण के उद्देश्य से इसे मनाया जाता है हर साल। राजधानी दिल्ली समेत देशभर में आज मई दिवस मनाया गया। दिल्ली में सीपीआईएम मुख्यालय में मजदूर दिवस मनाया जाता है। इस दिन मजदूर जहां अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करते हैं तो वहीं मिलकर अपने अधिकारों के लिए लक्ष्य संघर्ष करने भी। वैश्विक अर्थव्यवस्था की दुनिया है जहां डब्ल्यूटीओ के समझौते हैं, जहां दुनिया के देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जहां कॉरपोरेट्स हैं, जहां पैसा है, जहां इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इस बीच में जो मजदूर है बेचारा, उसकी हालत को और उसके हालातों को आप आज के दिन जबकि आज मे डे है किस तरह से देखते हैं? में भी 1:2 का फर्क देखने को मिलता है। इंक्रीमेंट स्कीम्स नहीं है, मैटरनिटी बेनिफिट नहीं है जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यहाँ पर लगे हुए हैं। तो जब गवर्नमेंट्स रोल मॉडल नहीं दिखाएंगी तो प्राइवेट सेक्टर को कहने वाली भी नहीं बनेगी। एक बार चलते चलते महिला श्रमिकों की स्थिति के ऊपर खासतौर पर किस तरह का महिला श्रमिकों की स्थिति और भी गड़बड़ है। उसकी वजह यह है कि वो महिलाओं की दिक्कत और भी ज्यादा है, पुरुषों से कहीं ज्यादा। जी, तो हमें एक मई दिवस नहीं, हमें साल के हर दिन मई दिवस मनाना है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमरजीत जी, हमसे बात करने के लिए आपका धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे उससे पहले ब्रेक लेंगे, आप देखते रहिए समाचार प्लस। भारत ने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण और विकास में योगदान की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री जलमाई रसूल ने आज